Chir pheasants distribution. Chir pheasants are among the important birds of Pakistan. Agar hum inki common distribution ki baat kare, so this is the bird of the hilly areas. Generally, this is the bird of the slight hilly areas. We are not saying ki ye Pakistan ke top ke upar exist kar rahi hai ya K2 ki pahadiyon ke upar ye animal exist kar raha hai ya bird exist kar rahi hai. This is the lover of hilly area. Cold temperature ko ya जो लो टेम्परेचर है कंपैरेटिवली ये उसकी प्रेफरेंस टेम्परेचर रेंज है, इसीलिए एनिमल्स हिली एरियाज में एग्जिस्ट करेगा. हमें प्लेन्स में इस एनिमल की एग्जिस्टेंस कंपैरेटिवली कम मिलती है. अगर हम कॉमन बात करें कि ये एनिमल कहाँ एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अलावा, दिस एनिमल एग्जिस्ट्स इन इंडिया एज वेल एज नेपाल. सो दिस इज एग्जिस्टिंग नेटिवली इन इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान. अगेन हमने बात की कि ये हिली एरियाज़ में है, तो इन इन तीनों कंट्रीज़ के जो हिमालयन रीजन्स हैं ये उनके वहाँ पर एग्जिस्ट करता है ये एनिमल. और एक चीज़ द थिंग नीड्स टू बी क्लैरिफाई हेयर दैट बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस एनिमल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गेम बर्ड. एक हैवियर साइज का बर्ड है, गेम बर्ड के तौर पर इसको वाइल्ड एनिमल कंसिडर किया जाता है. सो इसको कैप्चर करने के लिए वेरियस तरह के दूसरे जो रैप्टर्स हैं उनको छोड़ा जाता है जिससे इस एनिमल को कैप्चर किया जाता है. एंड इट इज़ अज्यूम्ड रादर इट इज़ रिपोर्टेड कि जो इसका मीट है दैट इज़ वेरी डिलीशियस. सो उस रेफरेंस से इट दिस एनिमल इज़ अंडर सर्टेन थ्रेट एज वेल. इसको गेम बर्ड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से इसका नंबर भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है. पाकिस्तान में इस एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन किस जगह पे है? दिस इज एग्जिस्टिंग इन मागला हिल्स, सवात एंड कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट. वाइल एट प्रेजेंट दिस इज सिचुएटेड इन स्मॉल पॉकेट्स इन स्मॉल एरियाज ऑफ कश्मीर. थ्रू आउट कश्मीर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पैचेस में कश्मीर में एग्जिस्ट करता है. अगेन अगर हम थोड़ा सा इन्हीं एरियाज पर गौर करें तो पाकिस्तान में ये हिली एरियाज कंसिडर होते हैं, ये कोल्डर एरियाज कंसिडर होते हैं, ये ठंडे इलाके कंसिडर होते हैं. सो जो इस एनिमल की प्रेफरेंस टेम्परेचर रेंज भी है. 50 to 60 पेयर्स ऑफ द ब्रीडिंग कैप्टिव बर्ड्स आर वेल कैप्ट एट ढोडियाल विच इज सिचुएटेड इन मानसेरा इन KPK. दिस इज द एरिया वेयर द कंजर्वेशनिस्ट एक्चुअली दे ग्रुप्ड सर्टन पेयर्स देयर. उन्होंने ये कोशिश की है कि 50 से 60 या 70-80 के अराउंड पेयर्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ पर उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग की जा रही है जस्ट टू इम्प्रूव देयर प्रोजनी, जस्ट टू इम्प्रूव देयर नंबर. बट अगेन देर इज़ अ रिपोर्ट दैट वो जो चीर फेजेंट्स की इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट है दैट इज़ नॉट सो मच सक्सेसफुल जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था. डेफिनेटली जो इनकी नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉबेबली वी आर नॉट फुलफिलिंग देम इन टू द कैप्टिव एनवायरमेंट. उस तरह की नेचुरल हैबिटेट, उस तरह की नेचुरल फूड फीडिंग एक्टिविटीज़, होम रेंज कैप्टिव एनवायरनमेंट में प्रोवाइड नहीं की जा सकती जो इन एनिमल्स को या इन पर्टिकुलर बर्ड्स को नेचुरली अवेलेबल होती है. सो प्रोबेबली ये रीज़न रही हो जिसकी वजह से जो इनका कंजर्वेशन का या जो इनकी प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट है वो उतना सक्सेसफुल नहीं है एज द कंजर्वेशनिस्ट दे आर एक्सपेक्टिंग इट. With reference to the feeding, its major food, it includes root, it includes tuber, seeds, berries, various types of insects, while its IUCN status is vulnerable. Jisra, as we have discussed, that this animal has a threat of hunting, threat of capturing by the raptors, because it's a game bird. So, is reference se, iska jo number hai, wo kafi hatak reduce ho gaya hai. That reduced number actually allot this animal into the vulnerable category of IUCN Red Data List, जो obviously एक dangerous category है, जो category extinction की तरफ जाती है या endangered की तरफ जाती है. So उसी चीज़ को protect करने के लिए various conservation agencies they jumped into it और इसको CITES जो convention है animals whole animal या animal के parts की trading को जो monitor करती है, उन्होंने इसको अपेंडिक्स 1 कैटेगरी में रखा है ताकि इस एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके. सो इट इज़ लिस्टेड ऑन द अपेंडिक्स 1 ऑफ द CITES.
सो जब तक ये कन्वेंशंस, ये इंटरनेशनल एजेंसीज, प्रोटेक्शन एजेंसीज, दे डू नॉट लुक इनटू द मैटर अनलेस और अंटिल द थिंग्स और दीज एनिमल्स और दीज ब्यूटिफुल बर्ड्स दे आर नॉट वेल प्रोटेक्टेड. सो दीज एनिमल नीड्स अ प्रोटेक्शन. इनको जब तक हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऑल्टरनेटिव प्रोटेक्शन ग्राउंड्स या साइट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, इनका नंबर डेफिनेटली रिड्यूस होता रहेगा.